समस्तीपुर में गेहूं के खेत से युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिलौत गांव की है। मृतक की पहचान सिलौत गांव के 22 वर्षीय राज कपूर के रूप में हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वहीं घटना के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों का बताना है कि टोटो चालक के द्वारा तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर 2-3 दिन पूर्व उसके पुत्र की टोटो चालक से विवाद हुआ था। परिजन आशंका जता रहे हैं इस विवाद को लेकर उसकी हत्या की गई। शव की स्थिति को देखकर लगता है कि बड़ी निर्दयता से उसकी गला रखकर हत्या की गई है और शव को गेहूं के खेत में फेंक दिया गया है। गेहूं के खेत से कुछ दूरी पर मृतक का चप्पल भी बरामद किया गया है। गर्दन रहता हुआ आज सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत सिलौत गाँव में के पास एक बच्चे की लाश मिली है। जाने पर मालूम चला कि उसी गाँव के एक राज कपूर नाम का लड़का है जिसको धारदार हथियार से गर्दन पर प्रहार किया गया है, जिससे कारण उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस वहां तत्काल पहुंच करके पोस्टमार्टम के लिए लाई है। यहां पर जानकारी ये मिली है कि ये लड़के बाहर मजदूरी करते थे तमिलनाडु में, वहां से 8-10 दिन पहले ही आए हैं वहां से, और शाम को 8:30-9 बजे के आसपास 2-3 लड़कों के साथ पुल पर बैठे हुए थे जहां इनके दादा ने देखा था। उन 2-3 लड़के कौन कौन थे उसकी पहचान की जा रही है और इस संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी। घटना गंभीर है, पुलिस इसको चुनौती के रूप में लेकर के इस कांड का उद्भेदन करने का प्रयास कर रही है। प्रथम दृष्टया सर क्या मामला लग रहा? अभी ये तो पुष्ट हुआ है कि धारदार हथियार से घटना कारित की गई है जिससे कारण उसकी मृत्यु हुई है। परिवार वाले बता रहे हैं कि अभी किसी से दुश्मनी नहीं है, अंदरूनी कारणों की तलाश की जा रही है और वहां पर जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य मिलेगा उसके आधार पर हम लोग आगे करेंगे। अंतिम समय तक जो 2-3 लड़के थे उनके बारे में सूचना मिल रही कि रात में वो बाहर चले गए हैं, उनको बुला करके उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी, उसके बाद इस कांड का उद्भेदन हो जाएगा। 8 बजे रात से क्या हुआ? क्या वो 8 बजे रात से मिला ही नहीं, उसके बाद सुबह आज जानकारी मिला कि 6 लाइन पे उसको गर्दन रेत के हत्या करके फेंके हुआ है। तो हम लोग सब लोग गए थे देखे तो सब मिला, गर्दन कटा हुआ था। जी जी कटा हुआ है सर जी। किस जगह से मिला, जगह कौन सा है? जगह है चौर है। कौन सा चौर है? चकनूर है। चकनूर चौर है जी। तो क्या लगता है कि आपके भतीजा की हत्या की गई है? जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार पासवान। उधर घटना का क्या कारण था, क्या लग रहा है, कैसे घटना हुआ? घटना हुआ है हमारा लड़का के साथ 2-3 दिन पहले झंझट हुआ था, वही आदमी मारा है। नाम नहीं हमको बताया लड़का, नहीं तो हम जाके उसको कहते घर पर जब अल्लाह आदमी से हमको बोला वो क्यों हुआ था। कितना दिन पहले हुआ था? 3-4 दिन पहले हुआ है। काहे के लिए? वो लड़का टोटो चलाता है, बाजा बजाता है, गांव में आता है तो मेरा लड़का कहता है कि रे बाजा बंद कर के चल, इसीलिए वो विरोध करता है, इसीलिए झंझट हुआ था, बोला वो कि मारपीट होने वाला था। कहाँ का था वो टोटो वाला? ये टोटो वाला ये चकनूर पंचायत का है लड़का सब है। क्या आशंका लग रहा है? वो रात में आया है टोटो, एकदम वही टोटो लेके आया है, टोटो में बैठा के लाया है, उसको उठा के वहाँ से अपने घर के बगल में बैठा हुआ था, 10-11 बजे रात में लाया है तो लाया है वही टोटो वाला, वही ला के और से ललके। और कोई विवाद था? बुलवा पर से ललके। और कोई विवाद था आपके बेटे का किसी से? नहीं किसी से कोई विवाद नहीं होता था। पूर्व में केस फौजदारी? पूर्व में एक आदमी किए हुआ था केस। किस चीज का? मेरे लड़का के ऊपर। क्या वो बहुत दिनों को झूठा इल्जाम फंसा दिया था कि राज कपूर ऐसे ऐसे किया है, राज कपूर बोला कि नहीं हम कुछ नहीं किया। क्या आरोप लगाया था? झूठा आरोप? ये मारपीट किया हमारा बेटी के साथ, ऐसे ऐसे बोला है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन पासवान है।
मृतक आपका बेटा था जी, राज के वो संतान था, लड़का था। तो भतीजा कब से गायब था? 8 बजे शाम सा सब बुला के ले गया, कहाँ ले गया से पता नहीं चला, मगर सब रात में पिया खिया के जब फेंक दिया। कितने लोग बुला के ले गए थे? 5 आदमी था। अब 5 आदमी का नाम नहीं कहेंगे, आप कौन आदमी नहीं है तो पता भी नहीं चला है, मगर 5 आदमी ले गया था रात में। कहाँ पे मिला है? सिकसरा पे मिला है, चकनूर चौर में, गरवारा चौर में। गरवारा चौर में जी। क्या लगता है भतीजा, कैसे हत्या की गई है? जबा कर दिया, गला लेट कर। हाँ, गला लेट के। क्या नाम है?